अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बनाने वाली हूँ आज वेजिटेबल रोल, चिकन वेजिटेबल रोल। बड़े ही मज़ेदार से, बड़े ही ईजी रेसिपी है और बड़े ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स में बन जाते हैं और इनका टेस्ट वाकई में बहुत मज़ेदार होता है। तो चलिए चलते हैं चिकन वेजिटेबल रोल्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने आलूओं को पहले से ही बॉयल करके इस तरह से मैश कर रही हूँ। अच्छी तरह से बॉयल होने चाहिए क्योंकि हार्ड जो पोटैटोज होते हैं वो बड़े ही ख़राब टेस्ट आता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में मुझे ये दो वेजिटेबल्स चाहिए, शिमला मिर्च और गाजर। चाइनीज़ कैरेट का इस्तेमाल करें, दूसरी अगर कैरेट अवॉइड करें, अगर नहीं है तो वो डाल लें। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसमें मैं डालने वाली हूँ इंग्रेडिएंट्स में जी ब्लैक पेपर जाएगा और मैं इसमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे हाफ टी स्पून और इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, और अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं इसमें क्रश रेड चिली ज़रूर ऐड कीजिएगा। और मैंने चिकन तैयार किया है अपने वही पुराने स्टाइल से वाइट सॉस के अंदर। अगर उसकी आपने रेसिपी नहीं देखी तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा। इस तरह से मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया। अगर आप चिकन वाइट सॉस में पसंद नहीं करते हैं तो आप चिकन सिंपल बॉयल करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से चले जी, अब हमारा मटेरियल ऑलमोस्ट रेडी है। अब देखिए इसको मैं इस तरह से शेप दे लूँगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन गई। ये देखिए, चिकन की टेंशन की कोई बात नहीं है, बॉयल चिकन भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें वाइट सॉस के साथ मिक्स करके डाला है तो वो बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, जूसी जूसी था। और चिकन को बहुत ज़्यादा क्रश ना करें, थोड़ी मोटी मोटी बोटी रखें ताकि जब आप बाइट करें तो चिकन की मोटी मोटी सी बाइट्स आएँ और मज़ा आए। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रश कर देते हैं तो वो बिल्कुल आपकी वेजिटेबल्स के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसमें ऐड किया ब्रेड क्रम्स और मैदा। ब्रेड क्रम्स मैंने घर में बनाए, सिंपल आप ब्रेड के पीसेस को चॉप कर लें और इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर लें इस तरह से। ये देखिए, इसमें मैंने अंडे में डिप किया और दोबारा से उसी मेज़े में डाल दिया। ये सब मैंने इस तरह से ही तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं जी फ्राइंग की तरफ। मैंने ऑयल पहले से गर्म कर लिया है, ये देखिए बबल्स बन गए हैं। अब इसमें मैं ये डालूंगी। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो सिंपल ब्रेड क्रम्स से भी आप कर सकते हैं, मगर जो ऊपर का जो कोट है वो बड़ा ही क्रिस्पी सा क्रंची सा बनता है अगर आप मैदा ऐड करते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इनको फ्राई करूँगी। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आँच नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ब्रेड क्रम्स बहुत जल्दी जल जाते हैं। और ब्रेड क्रम्स अगर आप फ्रेश ब्रेड के बनाएंगे तो आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छा फ़र्क आता है। आफ्टर 3 मिनट्स वन साइड से ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं 3 मिनट्स दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन करके उतार लूँगी। ये देखिए कुछ मेरे रेडी हो गए, ये कंप्लीट रेडी। देखिए कितने खूबसूरत, कितने मज़ेदार, और इसको जब आप ट्राई करेंगे अपने घर पर तो ट्रस्ट में ये बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। बच्चों के बड़े ही फेवरेट हैं, लंच बॉक्स की रेसिपी है, आप इजीली बना सकते हैं, जल्दी बन जाते हैं। अगर कोई अर्जेंट गेस्ट आ रहे हैं तो उसके लिए भी ये मेरी रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है। मैं तो बहुत बनाती हूँ जब कोई अर्जेंट गेस्ट आते हैं। तो आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना है कि आपको नेक्स्ट मैं क्या चीज़ सिखाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब